ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई और इस वाली बाउंड्री के ऊपर पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, राइट। ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल क्या यहाँ पे आर एम। द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रेक्शन आर आर एंड आर डैश। द क्रिटिकल एंगल इज, देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाली जो बाउंड्री है ना यहाँ पे ये लाइट डेंसर से रेयर में गई है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन मन आता है मन में कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल में बताना क्या होगा। हमें यहाँ के वो नहीं दिए हुए आपको मीडियम, यहाँ पे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो नहीं दिए हुए। मान लेते हैं हम इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन1 मान लेते हैं और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं एन2। इसका एन1 मान लिया और इसका एन2 मान लिया और वैसे क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपको पता है, क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू रेयर एन रेयर अपॉन में एन टेंसर। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये तो सबको पता है, जो साइन थीटा सी होता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एन रेयर अपॉन में एन टेंसर, यही होता है। ये बच्चे बच्चों को पता है ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो बात है, जो फॉर्मूला है एन रेयर, एन रेयर बताइए क्या होगा यहाँ पे एन टू और एन टेंसर क्या होगा यहाँ पे एन1। ये साइन थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की एन टू एन1 नहीं पता, तो इसने एन1 और एन2 निकालने के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसने क्या कहा हुआ है कि एक लाइट रे पड़ी इसके ऊपर और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी और रिफ्लेक्शन दोनों काम हुए हैं, ऐसा हमेशा ही होता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमेशा ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों इकट्ठे ही होते हैं। आप मान लीजिए कोई भी ग्लास है, उस ग्लास के अंदर आप अपनी शक्ल देखना, आपको ये जैसे एक ग्लास लगा हुआ है, कोई भी ग्लास लगा हुआ है उसके अंदर आपको आर पार का भी दिख जाएगा और अपनी शक्ल भी दिख जाएगी, आर पार का भी दिख जाएगा और अपनी शक्ल भी दिख जाएगी। कभी भी देख लेना आप, ये ग्लास है या ये ग्लास है किसी भी ग्लास के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट रे पड़ी तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों इकट्ठे ही होते हैं, कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट का और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस केस के अंदर जो है ना, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना दे दिया इसने, 90 डिग्री दे दिया। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना दिया हुआ इसने, 90 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाए यहाँ पे आई, बोल सकते हैं ना हम इसको, ये अगर आई तो ये वाला एंगल भी आई, आई और आर बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो ये वाला जो एंगल है आर डैश, ये पता कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा 180 है, ये पूरा कितना 180, ये 90 है और ये आई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस आई हो जाएगा। अगर ये आई ये 90 तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90 माइनस आई हो जाएगा ना, यहाँ पे ये आई है ये 90 तो ये 90 माइनस आई। अब आप एक काम करो, इसके ऊपर स्नेल्स लगा दीजिए, आप स्नेल्स लगाने से आपके पास एन टू अपन एन वन की वैल्यू आ जाएगी। अब लगाइए स्नेल्स लगाना आपको, यहाँ पे अगर स्नेल्स लगाते हैं तो ये कितना आएगा यहाँ पे एन वन साइन आई, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताइए, एन टू साइन ऑफ, एन टू साइन ऑफ 90 माइनस में आई, ये लिखोगे आप एन टू साइन ऑफ 90 माइनस आई, यानी कि ऐसा लिखो आप यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू कोसाइन। अब एक बात बताइए टेन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टेंजेंट आई की वैल्यू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, हाँ जी टेंजेंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे एन टू डिवाइडेड बाई में एन वन हो जाएगी आपके पास, ये टेंजेंट आई की वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है ना। अब एक बात बताइए टेंजेंट आई तो आपके पास निकल गया एन टू अपॉन एन वन, यानी कि साइन थीटा सी को टेन आई से इक्वेट कर सकते हो आप, साइन थीटा सी कैन बी इक्वेटेड बाय टेन आई, टेंजेंट आई से इक्वेट कर सकते हो और यहाँ से थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टेंजेंट आई, ये आपके पास जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आगी। अरे ये ना बात समझ में आपको, ये क्वेश्चन है कि दो दो बार करके देखोगे ना तो जाके माइंड में सेट होंगे कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, मतलब जैसे बहुत सारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो क्या करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करते करते जैसे उनको याद तक हो जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, जब मतलब एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंदर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल गिवन होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे और उस क्वेश्चन के अंदर आई अगर दिया हुआ है तो आर अपने आप आई की फॉर्म में निकल जाता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर और फिर स्नेल्स लॉ से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से माइंड में होता है वो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को तीन तीन चार चार बार कर चुके होते हैं वो, समझ आ रही है ना बात आपको, ओके।